और हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और फाइनल फिगर पर जल्दी से एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया जरूर लेंगे और उसके बाद हमारे साथ एक बड़ा पैनल वरिष्ठ पत्रकारों का है, उनसे भी हम बात करेंगे। जीतू पटवारी साहब, फाइनल फिगर टेलीविजन स्क्रीन पर है, लेकिन देखिए 113 से 137 कांग्रेस और 88 से 112 भारतीय जनता पार्टी। फाइनल फिगर पर आपका बड़ा छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। मैं शुरू से अनुरोध कर रहा हूं, अगर मेरे पहले आपने प्रारंभ में मैंने जब बताया था तो आपको कहा था 137 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जी, और इससे ऊपर सरकार आके प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। अगर आप फिर से, आपका एग्जैक्ट पोल भी ये बोलता है, मैं मानता हूं कि ये मैं आपके एग्जैक्ट पोल के अनुसार नहीं कह रहा हूं, ये हमारा इंटरनल सर्वे, दिग्विजय सिंह साहब ने कहा 130 सीट से ऊपर आएगी कांग्रेस पार्टी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर जिस तरीके से आज सरकार बदलने में जनता के साथ जुटा था वो दिख रहा था, जमीन पे दिख रहा था जी। तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके सर्वे का, रिस्पेक्ट करता हूं, बाकी सर्वे का भी रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं कि उनको नकारता हूं, पर हमारा सर्वे पे मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि सर्वे आपस में आप चलिए। तो जीतू पटवारी साहब, आपका यह कहना है कि आप इस प्रोजेक्शन से भी ऊपर जाएंगे? 137 जी, 137 आप कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्शन से? 100% जी, 100%। प्रेम शुक्ला साहब, अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है, क्योंकि आप भी 140 का दावा कर रहे हैं, ये भी 130 का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल दावे अपनी जगह है, दावे होने भी चाहिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला साहब अगर ये तस्वीर सामने आती है जो रीजन वाइज भी हम गए, आप इतने बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस से ले आए, कांग्रेस को तोड़ दिया, कई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कर दिए, 7 सांसदों को चुनाव लड़वाया, क्या कहना, क्या इन तमाम प्रयोगों का कोई फायदा दिखेगा? देखिए, एग्जिट पोल का अपना जो है आपका विज्ञान है जी, लेकिन एग्जैक्ट पोल में हम 140 सीटें न्यूनतम पाएंगे, और कांग्रेस जो है इसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए अगली बार जो है इनको नेता ढूंढने पे नहीं मिलेगा जी। अभी जुए की बात कर रहे थे श्रीमान जीतू पटवारी जी, जुए वालों से पैसा वसूलना जो है ये कांग्रेस की आदत है, जुआ खेलना जो है भूपेश बघेल ने किस तरह से जुए वालों से वसूली की ये लोग जानते हैं भली भांति, तो जुआ खेलना आपको मुबारक हो, जुए वालों से वसूली आपको मुबारक हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ठीक है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का बल है, जनता का समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम 140 सीटें पाएगी और प्रचंड जनादेश से। प्रेम शुक्ला साहब, मैं आपको रोकूंगा, लेकिन एक आंकड़ा मैं अपने तमाम जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल है उनका ध्यान भी और तमाम दर्शक सबका ध्यान इस आंकड़े की तरफ जरूर एक बार फिर लेकर जाऊंगा कि ये 88 से 112 ये इतनी बड़ी जो रेंज है, आप भी सोच रहे होंगे कि अमूमन, हालांकि सी वोटर ने जो सर्वे किया इस पर भी हम और लगातार हम चर्चा करें, अमूमन हम बात बोलते हैं 5 से 7, लेकिन यहां तो 88 से 112 और 113 से 137। अब ये जो रेंज है ये क्या है, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।